कोरोना वायरस को लेकर हर कोई चिंतित है। देश में लगातार कोरोना की पीड़िता का इजाफा हो रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाने की घोषणा भी कर दी है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वायरस से बचाव को लेकर कुछ सुझाव भी दिए हैं, जिसमें काढ़े का उल्लेख भी किया गया है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। वहीं देवास शहर के 7-8 स्विमिंग ग्रुप के सदस्यों द्वारा मोदी जी ने जो 14 अप्रैल को अपने संबोधन में जिस काढ़े का उल्लेख किया है, उसी काढ़े को स्वयं में खर्च पर गत 6 दिनों से हर दिन खेड़ापति गार्डन में बनाया जाता है। इस काढ़े का वितरण चौराहे पर तैनात पुलिसकर्मियों, नगर निगम के कर्मचारियों सहित जो भी लोग कोरोना को भगाने में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, उन्हें वितरण किया जाता है। जो लोग इस दौरान संपर्क नहीं कर पाते हैं, वो स्वयं ही खेड़ापति गार्डन आ जाते हैं, वहीं देशभक्ति और जनसेवा कर रहे हैं। पुलिसकर्मियों को रोज इस काढ़े का बेसब्री से इंतजार भी रहता है। काढ़ा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और इस काढ़े से शरीर को एनर्जी भी मिलती है। यही काढ़ा अदरक, सौंठ, लौंग, काली मिर्ची, गिलोई, गुड़ आदि से मिलकर बनाया जाता है। इस काढ़े में कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता रहती है, साथ ही यह शरीर में फुर्ती दिलाता है। और इस काढ़े को बनाने में अशोक सोलंकी, संतोष दुबे, महावीर जैन, डॉक्टर LN माहेश्वरी, डॉक्टर योगेश वालिम्बे, प्रवीण तोमर एवं समस्त टीम इस भूमिका को निभा रही है। ये हम करीब 6 दिनों से काढ़ा बना रहे हैं। काढ़ा बना के पुलिस विभाग, सेवा सफाई कर्मी, स्वास्थ्य विभाग एवं सभी जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग, पत्रकार बंधु वगैरह सबको ये काढ़ा पिलाकर इनकी इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश करने की प्रयास कर रहे हैं। ये सब लोग आज राष्ट्र सेवा में लगे तो उनके लिए हम कुछ कर सकें, यह इसकी पहल कर रहे हैं हम लोग। ये तो शाश्वत सत्य है, पुरातन काल से यह तय है कि काढ़ा एक ऐसी चीज़ है जिससे कि ह्यूमिनिटी बढ़ती है, इसलिए ये मोदी जी ने भी बोला है। और कोरोना के लिए तो रामबाण औषधि है, कोरोना इसको पीने के बाद कोरोना का वायरस नहीं आएगा, ऐसा विश्वास है हम सब लोगों का। इस समय मैं लॉकडाउन में 24 घंटे ड्यूटी कर रही हूँ और इस समय मेरे हाथ में है डॉक्टर महावीर जैन का बनाया हुआ आयुर्वेदिक काढ़ा, जिसे हम काढ़ा ना कहते हुए अमृत पेय कह सकते हैं। मुझे ऐसा बताया गया कि इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी, इसलिए मैं प्रतिदिन इसका सेवन कर रही हूँ और अपने साथ में एक जार भर के जितने पुलिसकर्मी चौराहों चौराहों पे लगे हुए पुलिस कर्मचारी और अधिकारी, उन्हें भी कन्विंस कर रही हूँ कि इसे इसका सेवन प्रतिदिन करें और अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं और कोरोना को दूर भगाएं। ये काढ़ा पीना है और जैसे गले में खराश वगैरह ये जो चीज़ें रहती है, इससे क्या है कि ये सब चीज़ें क्लियर हो जाती है। और ऐसे ये प्राचीन काल से ये चीज़ चल रही है कि भाई अपने ऋषि मुनि भी इन चीज़ों का मतलब सपोर्ट करते हैं। और ये आयुर्वेदिक चीज़ है, ठीक है, कोरोना अपनी जगह है, बाकी इससे क्या रहेगा कि इससे जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता बढ़ेगी, मतलब इसमें क्या है, जो पावर ऑफ एनर्जी है, मतलब इससे जो है बढ़ती है। ये पिछले करीब मैं 4 दिन से तो मैं भी ले रहा हूँ, तो मतलब इसके बाद मेरे में भी थोड़ी मतलब इस तरीके की एनर्जी है। और मैं इसलिए नियमित रूप से, इधर हम अपने मित्र हैं अशोक जी, हम सब मिलकर ना इसको निर्माण करते हैं। और जो है प्रशासन वगैरह जो भी है, अधिकारी वगैरह जो भी आते हैं, जो भी समाज का आ जाता है बंदा, या जो भी आसपास से कोई आ जाते हैं, या सफाई कर्मी भी हैं या जो भी, तो इन सबको मतलब हम निस्वार्थ मतलब ये है, इनकी ये परिवार की तरफ से पूरी सेवा है। ठीक, देवास से राजेश कुमार की रिपोर्ट।